हे गाइस, कल मैं कृष्णपुर गया था। कृष्णपुर छिन्ना माता मंदिर एंड उसके मिट्टी के काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये दो शंख मुझे छिन्ना माता मंदिर के बाहर मिले एक शॉप में। यू कॉन्ट इवन इमेजिन कि इनका कॉस्ट क्या है। ये मुझे जस्ट 40 रुपीज़ पर पीस, दैट मीन्स दिस टोटल इज 80 रुपीज़। आई नो मंदिर के बाहर ऑब्वियसली बात है ये कॉस्टली है, दैट मीन्स मुझे कहीं और से खरीदता तो ये और भी ज़्यादा चीपर होता और भी सस्ता। एज यू कैन सी ये प्रॉपर शंख बना हुआ है एंड इसके ऊपर नक्काशी की है। सब कुछ इज ए लाइक ए प्रॉपर शंख। आप इसको अगर एक रियल शंख के साथ मेज़र करते हैं, दिस इज़ द रियल शंख एंड इसके ऊपर वेस्ट बंगाल शंख में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन एंड बहुत कुछ बना हुआ होता है। ये काफ़ी पुराना है इसलिए इनके गैप्स में काफ़ी ज़्यादा यू कैन सी गंदगी हो रखी है। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट फॉर नाउ बिकॉज दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज़ रियली चीप। आई नेवर इमेजिन कि ये सिर्फ 40 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से है। वहाँ पे इसे छोड़ के भी बहुत कुछ मिट्टी के बने हुए थे बट आई डो नॉट हैव दैट मच बैगेज। मीन्स मेरे पास इतना ज़्यादा बैग कैरी करने के लिए, ज़्यादा सामान के लिए स्पेस नहीं था। सो आई ओनली बॉट दिस थिंग। आई वुड रियली लाइक कि मैं ये बचा के आप लोगों को सुनाऊँ। जस्ट लेट मी ट्राई। That is this one. And this is the other one. मैं आपको रियल शंख की आवाज़ भी सुना के बताना चाहता हूँ कि ये कितना डिफरेंट है। रियल शंख थोड़ा सा इससे बहुत लाउडर है, शार्प है, बट दीज आर नॉट दैट बैड। इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। जस्ट लेट मी ट्राई विद दिस रियल शंख। सॉरी गाइस, हमेशा बजाने की आदत नहीं होती, दैट्स व्हाई। रियली सॉरी अगेन। सो दिस इज रियल वन एंड ये मिट्टी के। आई होप यू लाइक इट। वहाँ पे से छोड़ के भी बिष्णुपुर इज रियली गुड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। एंड आप वहाँ पे जाएं तो मिट्टी का सामान चेक करना ना भूलें। दीज आर रियली गुड। थैंक्स थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।